दिल्ली के नरेला सफियाबाद रोड पर 6 और 7 मई को हुई कबड्डी टूर्नामेंट में भारत के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों ने कबड्डी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपना जोहर दिखाया। इस बार पुरुष खिलाड़ियों के साथ महिला खिलाड़ियों की भी कबड्डी प्रतियोगिता में बराबर की भागीदारी रही और महिला खिलाड़ियों ने भी अपना जोहर दिखाते हुए कबड्डी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। हमारे पास ये 80 टीम आई है और 35 लड़कियों की टीम है, दोनों टीम में आ गए 45 लड़कों की टीम है और ये हरियाणा से, राजस्थान से और दिल्ली से और यूपी से टीम आई है, तो हिमाचल की टीम आई है। आज हमारे यहाँ पर कल से कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा है और आज फाइनल टूर्नामेंट है हमारा। कितनी टीमें हैं सर? टोटल टीमें आई हैं हमारे यहाँ पर 80 के करीब। 80 के करीब? हाँ जी। तो सर यहाँ पर हर साल कराते हैं या आपकी बारी है? हर साल करवाते हैं यहाँ पर। आपको बता दें शिव घरानी स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से इस बार कबड्डी टूर्नामेंट में भारत के कई राज्यों से खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल की टीमें दिल्ली के सफियाबाद रोड पर स्थित जोनी फार्म हाउस में कबड्डी के मैदान में उतारी गई और सभी ने अच्छा जोहर दिखाते हुए पुरस्कार हासिल कर अपने राज्य का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा लग रहा है, खेल के गांव में हमारे यहाँ टूर्नामेंट कराया जा रहा है, इससे और बच्चे खेलने के उत्साह होगी और अच्छा गेम को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे और बच्चे उनको भी आगे भविष्य में आगे जाने का मौका मिलता है और इससे कबड्डी का मतलब आगे बहुत, कबड्डी आज के दिन बहुत ऊपर तक चली है। कल तक कबड्डी कोई जानता नहीं था और आज ये प्रो कबड्डी आने के बाद कबड्डी को और कोई जानता है और बच्चे मतलब हर उसमें निकल रहे हैं और करोड़ों में बोली भी लग रही है बच्चों के पास, मतलब एक नाम कमाने का एक प्लेटफॉर्म अच्छा फेमस करने का मौका मिल गया। आयोजक ने बताया कि इस कबड्डी टूर्नामेंट में जीतने वाले पुरुष खिलाड़ियों के लिए पहला पुरस्कार 1,11,000, दूसरा पुरस्कार 71,000 और तीसरा पुरस्कार 51,000 रखा गया। रेडर है मुकेश, करते हैं कि बच्चों को बेहतर से और प्रियंका गुड़िया रेडर है दोनों, ताकि जो मोर्की क्लब यूएसए है उनको भी मौका, पूरी तरह से सहमत जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी प्रतिभा आगे बढ़ेगी और हमें इस चीज को गांव तक लेके जाना चाहिए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। सीआरपीएफ किसी भी सरकार ने भी और ये खोली है उस पे और ज्यादा ध्यान बच्चों को मौका देना। वहीं महिला खिलाड़ियों के लिए भी प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार 51,000, दूसरा पुरस्कार 31,000, तीसरा पुरस्कार 21,000 रखा गया।